नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव का आज नतीजा बेहद चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने जो है जिस तरह से आंकड़े जो सामने आए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अब एक बार फिर जो है मोदी का जो है एक चेहरा जो है गुजरात में देखने को वापस जो है लिया है। इस पर जो है आपको बता दें कि टोटल जो है अब तक जो देखा जाए तो करीबन भारतीय जनता पार्टी को 158 जो है सीट से जो है जीत के लिए जो है मिली हुई है। इसके अलावा आपको देखिए कांग्रेस करीबन 16 और आप जो है कि खेप में करीबन 5 सीट गई है, लेकिन अभी भी जो है गिनती चालू है। आगे और क्या कुछ बदलाव होता है ये आगे देखा जाएगा, लेकिन हाल में जो परिस्थिति आपको गुजरात की कहीं ना कहीं एक बार जो है प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है गुजरात में फिर से सरकार बना रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो है कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, क्या कहना होगा? जो लोगों के मन में भ्रम था आपका, वो एक बहुत बड़ा भ्रम आज टूट गया है। मोदी जी हैं वो सबको पता चल गया है। लोगों ने बोला कि आपने मजबूर कर दिया रोड शो करने, उन्हें 50 किलोमीटर रोड शो किया, पर एक बात समझो, वो गुजरात के पुत्र हैं और गुजरात में अगर वो नहीं 50 किलोमीटर घूमेंगे तो कहाँ घूमेंगे। तो ये उनके लिए लोगों के प्रति लगाव था, उसकी ये मेहनत थी, उसका नतीजा जो 158 है मुझे लग रहा है जहाँ तक शाम होते होते 160 तक पहुँच जाएंगे। माननीय हमारे अध्यक्ष श्री पाटिल साहब का जो सपना था वो आज पूरा हुआ है और इस प्रचंड बहुमत जो रिकॉर्ड तोड़ बहुमत है, और सबसे बड़ी बात गोपाल इटालिया, अल्पेश कथीरिया, असलम साइकिल वाला, ये जो 3 सीट थी सूरत की जिसकी निगाहें पूरी गुजरात की टिकी हुई थी, वो 3 रिकॉर्ड गिनतियों के साथ और रिकॉर्ड वोटों के साथ जो जीते हैं वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लोगों के मुंह पे तमाचा है, जो ये सोचते थे कि भगवा में दम नहीं है, जो ये सोचते थे कि भाजपा ख़त्म हो रही है, उनके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है कि भाजपा भाजपा है, आप आई और कल गई और ना रहने वाली है ना रहेगी, जो है वो भाजपा ही है। जिस तरह केजरीवाल ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से चर्चा किया था, उन्होंने लिखित में कहा था कि इस बार जो है गुजरात में जो है हम लिख के देते हैं कि आपकी जो है सरकार बनने वाली है। हम भी लिख के दे देंगे। लोगों ने गुजरात के जनादेश ने एक लेटर उनको लिख के दे दिया है कि गुजरात तो छोड़ दो, अब आप दिल्ली कितने दिन रहते हो वो आप देख लो, वो लिख के गुजरात देंगे उनको। तो ये कहे थे राहुल भाई जिनसे आपने जाना कि जिस तरह से प्रचंड जीत पर जो है कहीं ना कहीं अब सूरत के अंदर जो माहौल है, जो 12 सीट सूरत शहर की थी और बाकी जो सूरत जिले की थी, तमाम जो सीट पर जो है हाल में जो है भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया, बड़ी लीड से जो है कहीं ना कहीं जीत हासिल कर दिया। हमारे साथ दूसरे कार्यकर्ता हैं, क्या लगता है आपको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में कहीं ना कहीं अपना एक पर्चा लहराया है, प्रचंड बहुमत से जीत हासिल किया, क्या लगता है? आज से नहीं, हमको तो 27 साल से लग रहा है और जब वापिस चुनाव शुरू हुए तब से लग रहा था कि भाजपा ही आएगी, क्योंकि जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने भूतकाल में गुजरात में किए हैं, जिसके बेस पर हमने केंद्र में सरकार बनाई है, राष्ट्रवाद को लेकर, हिंदुवाद को लेकर, हमारा देश और धर्म, जनता को मालूम है कि हमारे देश और धर्म को अगर सुरक्षित रखना है तो भारतीय जनता पार्टी के सिवा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आपने भूतकाल में देखा होगा किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वंशवाद की राजनीति की, देश को तोड़ने की राजनीति की, राष्ट्र विरोधी नेता उनकी पार्टियों में है, तो इस तरह की पार्टी को कभी भी जनता नहीं स्वीकारेगी। और स्वाभाविक सी बात है कि जनता जो हमारे देश को प्यार करती है और जो देशभक्त होगा और जो धर्म के लिए समर्पित होगा वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा। थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं गुजरात में जिस तरह से प्रचंड बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया है, उससे स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से गुजरात में एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाने जाए, ये प्रचंड बहुमत से, यानी कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस बार जो 27 साल के बाद जो है एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति में एक बार प्रबल जो है हासिल किया है। कहीं ना कहीं एक चाणक्य की जो नीति है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल जो है इस बार भी कहीं ना कहीं एक प्रचंड जीत के साथ जो है बहुमत के साथ जो है आज गुजरात में अपनी सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें कि सूरत शहर की बात करें तो 12 की 12 जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी लीड से जीती है। कहीं ना कहीं 4 जो ऐसी सीटें थी जहां पर काफ़ी जो है कहीं ना कहीं आगे पीछे चल रहे थे, लेकिन हाल में जो चारों ये सीटें हुई फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी लीड से जीत हासिल कर दिया है। थोड़ी देर पहले जो है गृहमंत्री हर संघवी सूरत के हैं, जो उन्होंने पत्रकार परिषद में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले 27 साल का जो रिकॉर्ड जो है कहीं ना कहीं कायम लाया है और कायम किया है, इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बार फिर जो है गुजरात की जो जनता है वो विश्वास करके जो जिस तरह से बहुमत लाया है कहीं ना कहीं वो सभी को जो है गृहमंत्री हर्ष संघवी जी ने धन्यवाद दिया है। सूरत से राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत।